अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, काहे की गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलने का मौका नहीं मिला मुझे। रात भर सोई नहीं हूँ क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे थे। हम लोग के इधर बहुत मच्छर है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद पार अब मच्छर। कोशिश करते करते देखो इतना लेट हो गया कि चाय बनाने का वक्त आ गया है। तो सोचा कि चाय बनाने से पहले ज़रा एक राउंड बाहर मारती हूँ। तो ये कुत्ता परेशान कर रहा है मेरे को, दूर रहने का, ज़्यादा नज़दीक नहीं आने का। उज़्मा और उज़्मा के अब्बा अंदर सो रहे, वो कसम से कंटा लाता है। जब एक नींद नहीं मिलती ना मेरे को, इतना कंटा लाता है ना चाय बनाने के लिए भी, एक उम्मीद में कि वापस और फंसर जाऊँ कि मुझको नींद लग जाए। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दाना भी देख रहा हूँ। तो ऐसा तो थोड़ा आई हूँ, मैदान में खड़ी हूँ, देख सकते हैं आप पूरा मैदान सपाचट है। जो जंगल में हम लोग घूमते थे, अब वो जंगल नहीं रहा, वो मैदान बन गया है ना। तो यार घूमने जैसा भी कुछ नहीं रहा अब तो। पहले कम से कम मैं यहाँ पे ऐसे छानती थी कि कोई ढंग का प्लांट है क्या, लेकिन अभी छाटने के लिए भी कुछ नहीं बचा। खैर थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ, फिर जाती हूँ जाके चाय बनाती हूँ और फिर आपके भाईजन को उठाती हूँ। मुझे तो सोने नहीं मिला अब, जब तक के मूड फ्रेश है ठीक है, जब धुनकी लगेगी नींद सर पे सवार होगी तब चिड़चिड़ापन आएगा। मुझको आता है क्योंकि मुझे नींद बहुत पसंद है। जैसे मुझे काम करना पसंद है वैसे ही मुझे सोना भी बहुत पसंद है लेकिन मुझको सोने नहीं मिला आज। तो ऐसे वैसे यहाँ पे आवाज़ अच्छी आ रही है पंछियों की, सुनने आ रहा है आप लोगों को? रुको मैं नज़दीक जाकर सुनाती हूँ। कल एक तो पार्लर गई थी फेशियल कराने के लिए, हाँ, और जो कुछ करा के उसका कोई मतलब नहीं हुआ। कहते हैं ना, अगर आप फेशियल कराओ या ब्लीच कराओ या कुछ भी अपने आप को पैम्पर करो, तो उस रात में अच्छी नींद लो, ताकि वो जो कुछ भी आपने पार्लर में कराया है वो आपके स्किन पे दिखे, ग्लो दिखे। वैसे पहले तो आप उन कुछ कराओ या मत कराओ, नींद से ही अच्छा खासा ग्लो आ जाता है। लेकिन अगर कुछ करा देते हो ना उस रात में, अच्छी नींद लो ताकि आपकी स्किन और अच्छे से ग्लो कर पाए। बट मुझे नींद ही नहीं मिली, मैं सुबह सुबह ग्लो देखना चाह रही थी अपने फेस पे। ग्लो क्या, नींद का फ्लो दिख रहा है मेरे फेस पे तो ऐसा है। पंछियों की आवाज़ सुनो आप लोग। मैं जल्दी बाहर व्लॉग नहीं बनाती ना, यहाँ पे तो जब व्लॉग बनाती हूँ ना तो मेरे आस पड़ोस वाले ना मुझको छेड़ते हैं। चल हो गया, तो ये अभी कोई छेड़ के गया मुझे तो ऐसा यार ये मच्छर काटा के मूंगी काटी समझ नहीं आ रहा। ये मूंगी काटी है ठीक है, मच्छर बहुत यार, हद पार मच्छर, मतलब बहुत ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठ गए उठ गए। पहले ऐसे ना नींद में से उठते थे ना तो कैमरा लेके खड़ती थी ना, ए चल बक बंद करिए, बाल देख मेरे बोलते थे बाल नहीं बचे क्या 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 अब बाल ही नहीं बचे तो क्या बोलूंगा। अब तुम जैसे भी दिखते कैमरे में अच्छे ही दिखते मैं आ गई बाहर से। चलो चाय पीते हैं फिर उज़्मा को उठाते हैं आराम से। वो भी अलग ही छिड़छिड़ मचा रही थी नींद में आज, उसको भी शायद मच्छर काट रही है, रो रही है। एक तो पहले मेरा मूड खराब है, ऊपर से रो रही है। पूछ रही हूँ क्यों रो रही, क्यों रो रही, जवाब ही नहीं दे रही। एक तो नींद नहीं मिली, ऊपर से आप लोग मेरी ये फिंगर देख सकते हैं, ये देखो कैसे सूजी हुई है। क्या हुआ मुझे खुद नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम मुझे क्या हुआ। ये देख सकते हैं आप मेरी फिंगर कितनी सूजी हुई है, इचिंग नहीं हो रही है लेकिन सुन लग रही है, वो एकदम सुन हो गई है मेरी वो फिंगर। मोड़ने पे बहुत ऐसा लग रहा है ताकत लगानी पड़ रही है। ये करने के समय अभी मुझे पता चला कि मेरे लिए एकदम अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है मेरी फिंगर में, तो देखा तो ये इतनी सूजी हुई पड़ी है
क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, तो ऐसा कुछ भी होते रहता है, कभी भी कुछ भी। Ti esperaré hasta mi día, ti esperaré todo mi día, ti esperaré hasta mi día, ti esperaré todo mi día. Estaré contigo todo el día y toda la noche, no puedo dejarte pasar. तो उज़्मा के अब्बा चले गए काम पे और उज़्मा को उठाते उठाते थक गए वो भी, लेकिन मैडम उठी नहीं। हाँ उठी थी, सिर्फ उनको गले लगाई, उनको अल्लाह हाफिज़ बोली, बोली संभाल के जाना, लेकिन उठने का नहीं उसको, फिर घराटे मार के सोने का। उठो ना मामा, उठो, देख सब देख रहे, सब बोलेंगे बोलेंगे उज़्मा कितना सोती है बाबा। उठती क्या? हमारे घर में सबको सोना पसंद है, चाहे वो सोना हो चाहे ये सोना हो, है ना उज़्मा, है ना उज़्मा, सोना ही सोना। उठती के देख, अरे अपने पंछी जानवर सब लोग ने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, खाली तू ही बाकी है, उठ जा। यहाँ तक अम्मी ने भी खा लिया आज तो, रात भर जागी थी ना, मेरे को बहुत भूख लग रही थी तो मैं सबसे पहले मैंने खाया। उठो ना चोनू, क्यों क्या क्लियर बोलो, मुझे सुनना नहीं आ रहा, बहुत नींद आ रही। और अरे बाप रे, मुझे भी नींद आ रही है, तू उठेगी अभी तो अपन दोपहर में सो जाएंगे ना, अभी तो उठ जा। ये अगर अभी पूरी नींद ले लेगी ना तो दोपहर में ना तो खुद सोएगी ना तो मुझे सोने देगी, उठ जा मेरा बेटा। वैसे उसमें दोपहर में सोती नहीं है क्योंकि लेट तक सोती पड़ी रहती है, मैं चाहती हूँ उठ जाए वो अभी। उठ जो। ये लड़की मुझे बोलती है लाइट बंद करो, अपन दोनों फिर से सो जाते हैं, ऐसा करूँ?
क्या करूं, लाइट बंद करो फिर से सो जाते। सच्ची फिर कितने बजे उठेंगे? एक बजे उठेंगे? एट बज के गया। चलना चलना उठना बेटा, मैं भी सो जाती हूँ। सो शाम के बज रहे 6। जैसे कि आपको सुबह में मैंने व्लॉग एंड किया था, और उसके एंड नहीं किया था, मतलब कि सुबह में मैंने आप लोगों से बात की थी, उसके बाद मेरी आप लोगों से बात नहीं हो पाई क्योंकि मेरी मैडम उज़्मा, मैं सोई नहीं आज, एक मिनट के लिए नहीं सोई। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि नाज़े सो गई थी दोपहर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम कर रही थी, कमेंट्स पढ़ रही थी, और उज़्मा सोई आराम से, 1 बजे तक सोई मैडम। उसके बाद उठी, उसके नहलाना खिलाना, मतलब उसको तैयार करने में टाइम हो जाता है। उसके बाद उसको होमवर्क वगैरह करवाई, फिर हम लोग मेरे लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है अभी कि मुझे मतलब खाना चाहिए तो चाहिए दोपहर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 दिन हो गया ऐसा, और हो गया ना कि मतलब वही और जिंदाबाद हो गया है दोपहर में, तो ऐसा। और उज़्मा जो है, उज़्मा ने खाया पराठा, हलवा पराठा जो लाए थे ना हम लोग ने, वो रखा हुआ था कल रात में मेले से लेकर आए थे हलवा पराठा हमने, तो वो रखा हुआ था, तो उसने बोला मुझे वही खाना, तो मेरी भाई खा ले, तो ऐसा है। और फिर अभी जैसे कि मैं उसको लेके गई थी गार्डन, तो गार्डन से आने के बाद हो गया उसका ट्यूशन का टाइम, और उसके बाद आ गए थे, तो अच्छा वो आ गए, वो लेके गए उसको ट्यूशन,